नमस्कार दोस्तों, कानपा एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिप्पी के बारे में। सिप्पी है क्या और ये कैसे हेल्प करेगा एनर्जी कंजर्व करने में, और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो ये कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बूस्ट कर रहा है और कैसे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो सिप्पी का कंसेप्ट है उसको नीति आयोग और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी दोनों साथ में मिलकर लेकर आए हैं, और ये जो इंडेक्स है इसका पहला एडिशन लॉन्च हुआ है अभी कुछ दिनों पहले ही। तो ये है सिप्पी जो हेल्प करेगा एनर्जी कंजर्व करने में। इसको आइए और डिटेल से हम स्टडी करते हैं। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEE और नीति आयोग ने इसी वेडनेसडे को लॉन्च किया है सिप्पी। सिप्पी की फुल फॉर्म है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसका मतलब ये कि कोई स्टेट एनर्जी इफिशियंसी के मामले में कितना प्रिपेयर है, वो एनर्जी इफिशियंसी पे किस तरीके से जोर दे रहा है और एनर्जी इफिशियंसी के लिए क्या क्या कर रहा है, तो उसकी प्रिपेयर्डनेस कैसी है इस मामले में, वो जो चीज़ आती है सिप्पी के अंडरगत आती है उसको स्टडी करने के लिए। और सिप्पी का जो पहला इंडेक्स इशू हुआ है उसमें 5 स्टेट्स को डाला गया है फ्रंट रनर की कैटेगरी में। अभी हम जानेंगे कि इसकी कितनी कैटेगरी है, और उस फ्रंट रनर की कैटेगरी में नंबर 1 पे आया है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे केरला, उसके बाद महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। इसका मतलब ये कि सिप्पी इंडेक्स में नंबर 1 आए हैं। इसका मतलब ये कि एनर्जी इफिशियंसी की जो इनकी प्रैक्टिसेज हैं और जो इन स्टेट्स की कोशिशें हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी हैं, और एनर्जी को इफिशियंटली यूज़ करने में ये स्टेट्स काफ़ी फॉरवर्ड हैं। सिप्पी के 4 कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को ज़रा ध्यान से देखिए। पहला कैटेगरी है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर में ये 5 स्टेट्स आ चुके हैं ये वाले। तो अब जो बात आती है फ्रंट रनर की, अब देखिए फ्रंट रनर के बाद जो है सेकंड नंबर अचीवर, इसमें भी स्टेट्स के कुछ ना कुछ क्लासिफाई किए जाएगा, और उसके बाद कंटेंडर, और कंटेंडर के बाद एस्पायरेंट। इसमें एक बात आप ध्यान से देखिए, एक नोट करने वाली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। स्टेट को कहीं भी जो इफ़िशियंट नहीं है उसको भी कहीं पुअर नहीं कहा गया। ये एक काफ़ी अच्छी बात है, इससे स्टेट्स को एनकरेज करने के लिए जो वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट रनर यानी जो सबसे आगे हैं इफ़िशियंसी के मामले में वो स्टेट्स, उसके बाद अचीवर यानी जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जो फ्रंट रनर से थोड़ा पीछे हैं लेकिन फिर भी अचीव किया है, कंटेंडर यानी कि ये स्टेट्स कंटेंडर हैं इन 2 स्टेट्स के। यानी कंटेंडर का मतलब चैलेंज करने वाले, कि हो सकता है भविष्य में ये इनको रिप्लेस कर दे फ्रंट रनर और अचीवर को। कंटेंडर होता है एक बेस्ट दावेदार, जो उस पोस्ट किसी पोस्ट के लिए बेस्ट दावेदार, जैसे हो सकता है कि आप यू आर नंबर 1 कंटेंडर फॉर UPSC मेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छे दावेदार, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जो अगर जिसने कुछ भी नहीं किया वो सबसे लास्ट कैटेगरी में आ रहा है, उसका भी नाम रखा गया है एस्पायरेंट। इसका मतलब ये कि पुअर है या बहुत बेकार है ऐसा किसी स्टेट को कहा नहीं गया, स्टेट्स को क्रिटिसाइज करने के बजाय उनको एनकरेज करने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस तरीके से जो नेमिंग का ये फंडा है ये काफ़ी अच्छा है स्टेट्स को एनकरेज करने के लिए। उसके बाद से जो ये क्लासिफिकेशन की गई है वो एनर्जी इफ़िशियंसी के मामले में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कितना, देखिए क्या हमारे देश में जो BEE है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी, ये कुछ गाइडलाइंस निकालती हैं इफ़िशियंसी को लेकर, कि वो गाइडलाइंस किसी भी तरीके की हो सकती है, कि आपको डिवाइसेस कैसे इस्तेमाल करने हैं ऑफिसेज में या कोई स्पेशल घर में तो या दफ्तर में, मतलब इस तरीके का, और उनके स्पेशल गाइडलाइंस होते हैं कि घर का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एनर्जी इफ़िशियंट सिस्टम बनाने के लिए। तो ये जो चीज़ है इसके हिसाब से इम्प्लीमेंट कोई स्टेट कर रहा है तो उसको जो है रैंकिंग अच्छी दी गई है। उस कंपोजिशन का वो जो इंडेक्स है उसका कंपोजिशन क्या है, तो ये देखिए हर स्टेट को कंसाइडर किया गया है।
उसके एनर्जी कंजम्पशन के मामले में, एनर्जी सेविंग पोटेंशियल के मामले में, और इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी इफिशियंसी, ये तीन चीज़ हैं क्राइटेरिया, इन तीन क्राइटेरिया के बेस में। और ये तीनों क्राइटेरिया देखे जाएंगे बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्री में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिल्डिंग की एनर्जी कंजम्पशन कितना है और उसमें एनर्जी को सेव कितना किया जा रहा है, यानी और उसके बाद से जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है एनर्जी इफिशियंसी का वो कितना हुआ है, ये बिल्डिंग में देखा जाएगा। तीनों चीज़, तीनों चीज़ों को देखने के लिए अब 63 इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, 63 इंडिकेटर्स। उनके हिसाब से इसमें से कुछ इंडिकेटर्स बिल्डिंग के लिए हैं, कुछ इंडिकेटर्स इंडस्ट्री के लिए हैं, कुछ इंडिकेटर्स म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में एनर्जी कंजम्पशन को देखने के लिए, एनर्जी सेविंग को देखने के लिए और एनर्जी इफिशियंसी को देखने के लिए कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उस प्रोग्राम का, उसको देखने के लिए 63 इंडिकेटर्स हैं। उन 63 इंडिकेटर्स के बेसिस पर ये चीज़ चेक किया जाएगा कि बिल्डिंग में एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है और एक्चुअली में कितना एनर्जी वहाँ से बचाई जा सकती थी, और जो एनर्जी इफिशियंसी की जो गाइडलाइंस है वो कितने हद तक इम्प्लीमेंट की गई है, उसी के हिसाब से यही तीनों चीज़ें, ये तीन की तीन चीज़ें बिल्डिंग में चेक की जाएगी, इंडस्ट्रीज़ में चेक की जाएगी, म्यूनसिपैलिटीज़ में चेक की जाएंगी, ट्रांसपोर्ट में चेक की जाएंगी, एग्रीकल्चर में भी चेक होगी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में भी चेक होगी। और इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर जो हैं, 59 इंडिकेटर्स हमारे इन चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए हैं। उसके बाद जो 4 जो हैं वो क्रॉस कटिंग इंडिकेटर्स हैं। क्या हुआ है एक्चुअली में, जो ये 63 इंडिकेटर्स हैं ये हैं क्या, इसको रिपोर्ट में पब्लिश नहीं किया गया, तो इसीलिए मैं 63 जो इंडिकेटर्स हैं उनकी लिस्ट आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो एक्चुअली में मेरे पास क्या, वो किसी के पास नहीं है। उसके लिए हो सकता है किसी ने RTI फाइल करके उसको निकलवाना चाहता हो तो उसने निकलवाया हो, या फिर किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड हो डाटा पे और उसने पहले कुछ सर्च किया हो या इसमें काम किया हो तो उसके पास हो सकता है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है, लेकिन आपको ये जो 63 इंडिकेटर्स हैं उनके नाम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है और ये एग्ज़ाम में पूछेगा भी नहीं। आप सीधा ऐसे समझ लीजिए, 63 में से कुछ इंडिकेटर्स बिल्डिंग के लिए होंगे, कुछ इंडस्ट्री के लिए होंगे, कुछ म्यूनसिपैलिटी के लिए होगा, कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए, सेम इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए, इन तीन चीज़ों को चेक करने के लिए कि एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है और इसमें से कंजम्पशन एनर्जी में से कितना बचाया जा सकता है, यानी एनर्जी सेविंग पोटेंशियल क्या है। और जो BEE यानी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने जो गाइडलाइंस दे रखी है, हर के लिए अलग गाइडलाइंस बनाएगा BEE, बिल्डिंग के लिए अलग बनाएगा, इंडस्ट्री के लिए अलग बनाएगा, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए अलग, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग, एग्रीकल्चर के लिए अलग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए अलग। उन तीनों मामले में, उन तीनों इंडिकेटर पे स्टेट्स ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसके हिसाब से डिसाइड होती है रैंकिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने पूरी कोशिश की ढंग से समझाने की इसको। अगर आपको अभी बात समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिए, बार बार सुनने से चीज़ें समझ में आसानी से आ जाती हैं और फिर हेल्प करती हैं आगे। अब हम अपने वीडियो के आगे लेकर चलते हैं, आगे कुछ और चीज़ें जानते हैं इस इंडेक्स के बारे में। हाँ, तो अब देखिए, जो स्टेट की, अभी तक तो हमने बात की थी कि बिल्डिंग को चेक कर रहा है, इंडस्ट्री को चेक कर रहा है, म्यूनसिपैलिटीज़ को चेक कर रहा है, ट्रांसपोर्ट को चेक कर रहा है, एग्रीकल्चर, डिस्कम्स, इन सब चीज़ों को चेक कर रहा है। इसके अलावा दूसरा इसका काम ये है कि जो स्टेट्स की पॉलिसीज़ हैं और रेगुलेशंस हैं, ये किस चीज़ के लिए, ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों को भी चेक करता है ये इंडेक्स। ये इंडेक्स कैसे चेक करेगा, ये इस चीज़ के लिए, कोई स्टेट एनर्जी इफिशियंसी और एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस को कितना अडॉप्ट कर रहा है, कितना जोर दे रहा है, उसके लिए जो मैकेनिज़म बनाए गए हैं वो कैसे हैं, उसको भी एग्जामिन करता है। यानी स्टेट सबसे पहले वो देखेगा स्टेट की पॉलिसी कैसी है। पॉलिसी का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्टेट जो गवर्नमेंट है उसने एनर्जी इफिशियंसी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए पॉलिसी कैसी बनाई है, रेगुलेशंस कैसे हैं, यानी
कोई अगर वॉयलेट कर रहा है उस रूल को, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रूल को, यदि कोई इंडस्ट्री या कोई बिल्डिंग या कोई अथॉरिटी अगर उसको वॉयलेट कर रही है, या म्यूनसिपैलिटी या डिस्कम कोई वॉयलेट कर रहा है, या कोई ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा म्यूनसिपैलिटी या कोई बॉडी, तो उसको रेगुलेट करने का मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है एनर्जी एडॉप्शन के मामले में। फिर वही देखा जाता है दूसरा पॉइंट कि इस इंडेक्स को ढंग से बताते समय कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म कैसा है। इसका मतलब ये, आप इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर कहीं किसी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर जनरेटर ख़राब हो जाए, वो बिल्कुल ही चले ना, लेकिन फिर भी उसको ना बदलने के कोई ऑफिसर हिम्मत नहीं करता, जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनको, उनसे कल के दिन पूछा जाए कि आपने ये इतना पैसा कहाँ से लगा दिया, तो वो आपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कैसे खर्च कर दिया, इस तरीके के सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जनरेटर अगर मान लीजिए बुरी तरह से ख़राब भी हो जाता है, तो उसको वो 100 बार ठीक करा लेंगे, 1-1 हज़ार दे के वो चलेगा उनको। लेकिन ये नहीं कि अगर 1 लाख से कम का जनरेटर या मोटर है या कोई डिवाइस है, तो उसको खरीद ले पहली बार, उसको जानते हुए भी वो वैसा करेंगे कि उनसे सवाल ना पूछा जाए। तो इसके हिसाब से क्या होता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म अगर स्ट्रांग बनाया जाए, अगर सिस्टम को काफ़ी रिजिड बनाया जाए, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम ना दी जाए जूनियर ऑफिसर्स को स्टेप्स लेने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और उनके उसके बाद अगर ठीक से रेगुलेशन ना हो उनके ऊपर कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे चीज़ों को, तो इस इंडेक्स में इस चीज़ को भी मेज़र किया जाता है, इसके हिसाब से भी कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का मतलब कि जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें कितना वो है, कैपेसिटी है एनर्जी सेविंग और एनर्जी इफ़िशियंसी को लेकर, जैसे कि वो कितना ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं अपनी अथॉरिटी, अपनी बॉडी को, उसके हिसाब से। अब देखिए इसको सिंपल ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जो नई बिल्डिंग्स बन रही है आज के समय में, उसको बनाया जा रहा है ग्रीन बिल्डिंग, तो उसका जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होगी अडॉप्शन ऑफ एनर्जी इफिशियंसी और सेविंग को लेकर, प्रैक्टिसेस को लेकर, वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि वो नई बिल्डिंग है, उसके जो दीवार पे पेंट होगा वो इस तरीके का होगा कि कम लाइट की ज़रूरत हो, उसमें खिड़कियाँ या दरवाजे या रोशन हॉल ऐसे बनाए जाएंगे ताकि रोशनी बाहर से ज़्यादा आए और अंदर की रोशनी की कम ज़रूरत पड़े, या ऐसा बना सकते हैं कि वहाँ एसी चलाया जाए तो वो कम एनर्जी पे भी चलाया जाए तो ज़्यादा अच्छी ठंड लगे, या ठंडा या गर्मी का जो बैलेंस हो वो प्रॉपर हो उस जगह पे। तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है वो कैसी है, उस चीज़ को भी मेज़र किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनका इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कम होगा, तो अगर हम नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग को कंपैरिजन करें तो उसके हिसाब से अगर रैंकिंग देने की कोशिश करें, तो जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में जो ओल्ड बिल्डिंग है उनको कम रैंकिंग के हिसाब से कम वो मिलेगा, कम ग्रेड मिलेंगे। तो उसी लिए एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम बनाया जाता है कि उस केस में भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी बिल्डिंग के साथ। तो स्टेट की ये तीनों चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है इसमें, और एग्जामिन करने के बाद इन तीन चीज़ों को कि वो स्टेट कितना इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है एनर्जी इफ़िशियंसी को, वो भी इस इंडेक्स में मेज़र किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है वो कितना हेल्पफुल है एनर्जी कंजर्व को प्रमोट करने में, क्योंकि इसने एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया स्टेट्स के बीच में। सारे स्टेट्स अब कंपटीशन मोड पे हैं कि उनको एनर्जी सेविंग में अच्छा बनना है। इसके लिए ये होगा कि हर स्टेट अब कोशिश करेगा, पहले जो होता था, अगर ये सिस्टम ना होता, नीति आयोग के पहले का जो सिस्टम था उसमें कॉपरेटिव फेडरलिज्म या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जैसा कंसेप्ट ही नहीं था। हाँ, लेकिन अच्छी चीज़ों में कोई कंपटीशन नहीं था स्टेट्स के बीच में, लेकिन जितनी भी बुरी चीज़ें होती थी उन सब में स्टेट्स का वो कंपैरिजन होता था आपस में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ले सकते हैं पॉपुलिस्ट मेजर। पॉपुलिस्ट मेजर में अगर एक स्टेट कह दे, उसकी भले फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो स्टेट की, उसकी स्टेट की जो
इकोनॉमी है वो कितनी गड्ढे में जा चुकी हो, वो कितना ही बड़े फिस्कल डेफिसिट में पहले से ही क्यों ना हो, अगर फिर भी कोई स्टेट दूसरा स्टेट किसानों का लोन माफ़ कर दे। किसानों का लोन थोड़ा सीरियस इशू हो जाता है, हम इसको ऐसे लेते हैं, अगर एक स्टेट डिक्लेयर करे किसी उसका कि उसको हमें कर्ज़ा उसका कम करना है, माफ़ करना है, तो दूसरा स्टेट कहेगा कि हम उससे ज़्यादा माफ़ करेंगे। तो इस तरीके से जो इकनॉमी को लॉस लॉस होता था उसमें काफ़ी अच्छे वो थे, कंपटीशन करने में आगे थे। तो जितनी भी बेकार की चीज़ें थी जिससे देश को नुकसान होता था उसमें ही मोस्टली जो होता था स्टेट गवर्नमेंट्स परफॉर्म करने में आगे रहती थी। लेकिन अब ऐसी चीज़ें अगर हम बूस्ट दे रहे हैं ऐसी चीज़ों को कि आप एनर्जी कंजर्व कीजिए, हेल्थ का इंडेक्स बनाया गया है, जुडिशियरी का इंडेक्स बनाया गया है, तो इस तरीके के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का भी इंडेक्स बनाया जा चुका है, तो इससे जो है एक हेल्दी और फिट कंपटीशन क्रिएट हो रहा है स्टेट्स के बीच में, जिससे लॉन्ग टर्म में देश को फ़ायदा होगा। तो ये है सिंपल इस चीज़ का एनालिसिस। अब देख लीजिए जो पहले ही बताया जा चुका है, ये जो छह चीज़ें हैं, छह चीज़ें हैं, इन छह चीज़ों के लिए 59 जो इंडिकेटर्स हैं वो इन छह चीज़ों के लिए हैं और 4 क्रॉस कटिंग इंडिकेटर्स हैं। अब ये जो 63 इंडिकेटर्स हैं इनकी लिस्ट में ये इंडिकेटर्स एक्चुअली में हैं कैसे, 59 में से कितने बिल्डिंग्स के लिए हैं, कितनी इंडस्ट्री के लिए हैं, कितनी म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, और वो वाकई हैं कौन कौन सी, इसकी लिस्ट मिली नहीं कहीं किसी रिपोर्ट में। ये जो रिपोर्ट आई है सिप्पी की उसमें भी इन 63 इंडिकेटर्स का मतलब नहीं मिला, तो इसीलिए इसके बारे में हमने कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की है। लेकिन हाँ, ये एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दी जा रही है, जो डाटा है ना, ये डाटा इकट्ठा किया गया है। अब देखिए ये डाटा EESL से इकट्ठा किया गया है, डिस्कम। अब देखिए इसमें जो बॉडीज़ हैं, जो इसमें चीज़ें हैं, ऑफकोर्सली बात यह है कि जो इनका डाटा होगा वो कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, इन्हीं की जो नोडल एजेंसी होगी वहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। एग्रीकल्चर का डाटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से मिलेगा, स्टेट्स वाइज जितने भी मिनिस्ट्रीज होंगी। डिस्कम के लिए, डिस्कम तो अपना डाटा खुद तैयार करते हैं तो उनसे मिल सकता है, म्यूनसिपैलिटीज से भी उनका डाटा मिल सकता है, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं उनका डाटा भी मिल सकता है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वहाँ से भी मिल सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी इनका कुछ काम होता है तो वहाँ से भी मिल सकता है, और ख़ुद इंडस्ट्री अपना डाटा क्रिएट करती हैं। तो ये जो सोर्सेज है डाटा के सारे सोर्सेज हैं, ये इसके अलावा भी एक्सेट्रा मैंने लिख रखा है, इसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा अलग सोर्सेज आएंगे। तो ये जो था ये हुआ सिप्पी की बात। एक और सिप्पी में एक इम्पॉर्टेंट बात की गई है जिसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, आइए अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है वो इम्पॉर्टेंट चीज़, पैट मैकेनिज़्म। पैट मैकेनिज़्म का सिंपल मतलब है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि जो BEE है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो एनर्जी इंटेंसिव जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो लार्ज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक गाइडलाइंस तैयार की गई है। गाइडलाइंस तैयार की गई है कि वो अपने एनर्जी का जो वो है कंजम्पशन है उसको कम करें, उसको अपने सिस्टम को इफ़िशियंट बनाए काफ़ी, और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल टारगेट रखा है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि एक टारगेट, आपको इतनी एनर्जी तो सेव करनी है या इतनी से कम एनर्जी में आपको अपना काम करना है, तो उसके लिए उन्होंने एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इशू करने की बात की है। अब देखिए क्या, अगर किसी कंपनी को टारगेट मिलता है कि आपको 10 मेगावाट एनर्जी आपको कंजर्व करनी है, और वो क्या करते हैं, वो 12 मेगावाट एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा इनका जो +2 मेगावाट जो सरप्लस है, वो बेच सकते हैं उस कंपनी को जिसका, मान लीजिए दूसरी कंपनी है उसको भी 10 मेगावाट का ही टारगेट मिला हो, लेकिन उसका जो टारगेट हो रहा हो वो 8 मेगावाट तक ही हो रहा हो, तो वो 2 मेगावाट खरीदेगा उससे जो सरप्लस में है। तो इस तरीके से क्या होगा, हर जो कंपनी है उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया टारगेट, अगर वो टारगेट को पूरा नहीं करते
तो उनको पेनालाइज किया जाएगा। उस पेनल्टी से बचने के लिए कंपनीज़ क्या करेंगी, एनर्जी इफ़िशियंट बनने की कोशिश करेंगी, और अगर एनर्जी इफ़िशियंट नहीं बन पाती तो उनको पेनल्टी देना पड़ेगा, या पेनल्टी अगर नहीं देना चाहती तो उनको दूसरे जो और एनर्जी इफ़िशियंट कंपनीज़ हैं उनसे उनको उस सर्टिफिकेट को ख़रीदना होगा। तो ये है पैट मैकेनिज़म। ये मैकेनिज़म जो है ये क्या कर रहा है, जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन रिडक्शन टारगेट्स है उनको अचीव करने में मदद कर रहा है, उनका कॉम्प्लाई कैसे हो वो उस चीज़ में मदद कर रहा है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोटेक्ट की जा सकती है, कंजर्व की जा सकती है, और उसे कंट्री की इकनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है। जो ये जो हमारा ये पैट है, पैट सर्टिफिकेट, या इसको ऐसे कह लीजिए एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, इसको ट्रेड करने के लिए, इसको ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो दो प्लेटफॉर्म है। पहला ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और दूसरा है पावर एक्सचेंज इंडिया। इनको आप ध्यान रख सकते हैं, पीटी में इसका क्वेश्चन पूछ सकता है पैट मैकेनिज़म से। और पैट मैकेनिज़म का एक कंसेप्ट होता है यूएनएफसीसी में भी, यूएनएफसीसी में भी पैट मैकेनिज़म का कंसेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन वहाँ पे उसको किसी और नाम से जाना जाता है। तो उसको आप खुद से सर्च कीजिए और उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये अब एनालिसिस है हमारा सीपी का, यानी स्टेट एनर्जी इफ़िशियंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये इस एनालिसिस को अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑफ वीडियोज़ सब्सक्राइब नाउ।